The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Points, right? Iodine एक trace mineral है. हमने अपने YouTube वाले channel पे trace elements, trace mineral वाले video में भी आपको बताया iodine के बारे में. और ये एक न्यूट्रिएंट है जो एक्चुअली नेचुरली आपकी बॉडी में भी पाया जाता है, बाहर भी पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, सॉइल में, ज़मीन में पाया जाता है और ज़मीन से उगने वाली चीज़ों में पाया जाता है, खास करके समुंदर या वाटर बॉडी के पास, राइट. सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स. और हमारे को आयोडीन की ज़रूरत क्यों है, अगर हम ये समझेंगे तभी समझेंगे कि आयोडीन की कमी से क्या प्रॉब्लम होते. आयोडीन आपके सेल, एक एक सेल को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए. फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आयोडीन चाहिए, मतलब हर सेल को चाहिए, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और ह्यूमंस को आयोडीन चाहिए थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, ताकि थायराइड हार्मोन बने. और थायराइड हार्मोन आपका एक्सेलरेटर है. आपकी बाइक के ऊपर एक्सेलरेटर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं. सो थायराइड हार्मोन नहीं होगा, हाइपोथायराइड होगा, एवरीथिंग विल गेट स्लो डाउन. सो अब आप समझ सकते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको कुछ हाइपोथायराइड जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, कुछ सेल में एनर्जी कम होने वाले सिम्टम्स आ सकते हैं. समझ आई? सो उसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि आयोडीन मिलता कहाँ से है. वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आप खा भी रहे हो कि नहीं खा रहे हो, हाउ डू यू नो? सो आयोडीन जो है वो सबसे कॉमन आपका आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, जो आप नमक खाते हो घर में, जो आयोडाइज्ड नमक है, उनमें आयोडीन मिलता है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट आयोडीन सोर्स, और वो मेन फूड सोर्स है आपका. जी हाँ, इसीलिए जब हम किसी नॉन आयोडाइज नमक पे स्विच करते हैं, जैसे सेंधा नमक, काला नमक, पहाड़ी नमक, रॉक सॉल्ट, ये सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, जो कि आयोडाइज नहीं होते हैं, तो बिल्कुल हमारा मेन आयोडीन का सोर्स कट हो जाता है. और कई लोग थायराइड के शिकार हो जाते हैं. जी हाँ, इसमें सेंधा नमक की गलती नहीं है, इसमें किसी भी नमक की गलती नहीं है, इसमें गलती यह है कि उसमें आयोडीन नहीं है, राइट. दैट्स वॉट इज इम्पॉर्टेंट. यू नीड सम आयोडीन सोर्स डेली बेसिस पे. अब दूसरा क्या सोर्स है? नहीं नहीं, मैं तो सेंधा नमक ही खाऊंगा, मैं तो पहाड़ी नमक खाऊंगा. देन कम्स सी फूड. जी हाँ, सी फूड इज एक्चुअली रिच इन आयोडीन. चाहे वो आपका कोई किसी भी प्रकार का सी एनिमल खा रहे हो, सी प्लांट खा रहे हो, डजंट मैटर, सी फूड, राइट. देन केल्प. केल्प इज अनदर थिंग जो हमने आजकल बहुत देखे हैं. केल्प इज समथिंग लाइक एक जो सैलड में यूज होता है, केल्प सैलड, ये वो, केल्प जूस आजकल सुना होगा आपने. सो केल्प एक बहुत इंपॉर्टेंट रिच सोर्स है आयोडीन का. और सेम है स्पिरुलिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पिरुलिना. स्पिरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स. तो उस पर्पस के लिए स्पिरुलिना बहुत अच्छा है. सो अगर आप एक्चुअली सेंधा नमक ही लेना चाहते हो तो एक आधा स्पिरुलिना की टैबलेट लेनी शुरू कर दो, दैट इज ऑल्सो ओके. और लिटरली यस, डेयरी प्रोडक्ट में भी आयोडीन होता है, थोड़ा बहुत, बट द मेन सोर्स इज नमक, इज योर नमक. सो याद रखिए, अगर मेन सोर्स नमक है, जो कि आप चुटकी भर खाते हो, चुटकी चुटकी नमक खाते हो, तो फिर सोचिए बाकी सब में कितना कम होगा. जी हाँ, राइट. और रिमेंबर, आयोडीन रिच सॉइल में पके या निकले हुए कोई भी प्लांट्स हैं उनमें भी आयोडीन होगा. वो होते हैं समुंदर के पास उगी हुई वेजिटेबल्स, जमीन से निकले हुए, राइट, पोटैटो, चटैटो, वट एवर यू डैटो डैट, ठीक. सो अब अगर आयोडीन हो गया कम, मान लो आप सेंधा नमक लेते हो, आप कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते, भाई मैं तो नहीं लेता, ऐसे लोग बोलते हैं कई लोग. सो क्या होगा? आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन पुअर सॉइल वाले में रहने वाले लोग, आसपास ऐसे लोग, और बहुत ऐसे, ये चीज़ समझिए, इमीडिएट इफेक्ट नहीं करती कि चार दिन नहीं लिया तो बीमार, नहीं, ये मंथ्स में इफेक्ट करती, महीनों तक अगर आपने आयोडीन नहीं लिया, क्योंकि उसकी रिक्वायर बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए, महीनों तक नहीं लिया तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, थायरॉयड लेवल कम हो जाएगा, गले में सूजन आ सकती है, गोइटर हो सकता है, TSH लेवल बढ़ जाएगा. टेस्ट कैसे करोगे? TSH फ्री T3 फ्री T4 फ्री T3 T4 लेवल करा के. अब आयोडीन नहीं होगी तो थायराइड सेल्स, थायराइड ग्लैंड बड़ा होता जाएगा और थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगा. बड़ा क्यों होगा? क्योंकि थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगा, शरीर में डिटेक्ट करेगा पेरिफेरी में थायराइड हार्मोन नहीं आ रहा,
ब्रेन को बोलेंगे भाई हाई कमांड, ये पर्सन जो थायराइड है सही से काम नहीं कर रहा. सो वो क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ेगा और स्टिमुलेट और स्टिमुलेट, थायराइड को बोलेगा बेटा बड़े हो, बेटा काम कर. तो वो काम करने के चक्कर में बड़ा होता जाएगा, लेकिन उसके पास बनाने के लिए आटा ही नहीं है तो रोटी कहाँ से बनेगी. सो आयोडीन ही नहीं है तो हार्मोन कहाँ से बनेगा, राइट? चाहे दो बावर्ची रख लो, चाहे चार रख लो, राइट? सो दैट्स द आइडिया, सॉरी, राइट? सो क्या है सिस्टम, आयोडीन में अगर आपको नहीं मिलेगा तो थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है. देन देर इज समथिंग एल्स विमेन्स में, फीमेल्स में स्पेशल प्रिकॉशन, स्पेशल प्रॉब्लम्स है फीमेल्स में. प्रेग्नेंट वुमेन और जो ओल्डर चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, उनको अगर आयोडीन सही से नहीं मिलेगा देन देर इज अ प्रॉब्लम. नॉट गेटिंग इनफ आयोडीन इन डाइट विल लीड टू फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटी इन चिल्ड्रन, जिसको कहते हैं क्रिटिनिज्म. जी हाँ, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म इज अ रेयर थिंग, जो क्योंकि कई डेवलप्ड कंट्रीज में आयोडीन का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ सॉल्ट ही सारे आयोडाइज्ड मिलते हैं. सो या आयोडीन की कमी नहीं है, लेकिन इंडिया जैसे देश में आयोडीन की कमी पाई जाती है, जो कि फिर भी अलग से फाइंड आउट करना रेयर है. आज के डेट में थोड़ा सा थायराइड लेवल्स लोगों के एकदम से बढ़ने चढ़ने लग गए, दैट इज वन बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज, राइट? रिमेंबर. सो क्रिटिनिज्म इज वेरी रेयर बट इट इज, इट कैन हैपन. सो आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये ट्रेस एलिमेंट है, राइट? अब आयोडीन एक्सेस भी हो सकता है, बहुत सिंपल है. अगर कम होगा तो एनर्जी कम होगी, थायराइड लेवल कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, आपकी सारी चीजें स्लो हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, एनर्जी नहीं होगी, लैक ऑफ एनर्जी, फटीग, फटीग, चटीग, हाइपोथायराइड के सारे सिम्टम हाइपोथायराइड वाले सेशन में हमने अलग से बताए. फिर आयोडीन एक्सेस हो सकता है क्या? जी हाँ हो सकता है, बट इट्स वेरी रेयर. बहुत ज्यादा लोग खाने लग गए तो थायराइड फंक्शन बढ़ सकता है. जी हाँ, एक्सेस बढ़ सकता है, नहीं सॉरी, एक्सेस आयोडीन कैन ऑल्सो रिड्यूस द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी हो सकता है. हाई आयोडीन इंटेक भी एक मान लीजिए थोड़ा सा इसका हाइपोथायराइड जैसा इफेक्ट आता है, बट दोनों ही केस में आयोडीन ऊपर हो जाए नीचे हो गया, थायराइड ग्लैंड एक्सेस वो नहीं प्रोड्यूस करता. सो आपको कितना लेना है, अल्टीमेट चीज. द बेस्ट वे टू गेट डेली रिकमेंडेड एसेंशियल वाइटामिन्स या आयोडीन और एनी अदर थिंग इज टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट लेना है, वेराइटी ऑफ फूड लेना है, जैसा हमने फूड प्लेट में अपनी पांच चीज़ें बताई है. आपको होल ग्रेन्स लेने हैं, आपको प्रोटीन सोर्सेज लेना है, दालें धूले चिकन फिश जो भी खाना खाइए. उसके बाद में आपको लेना है डेयरी प्रोडक्ट्स, आपको लेना है वेजिटेबल, आपको लेना है फ्रूट्स. पांच चीज़ें डेली लोगे आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी, राइट? पर सेकेंड चीज़, आयोडीन के लिए टेबल सॉल्ट जो है आपका, जो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट 45 माइक्रोग्राम्स आयोडीन आपको देता है, जो कि आपके जो 1/8 या 1/4 आउंस ऑफ टेबल स्पून पोर्शन में है, राइट? और 1/4 टेबल स्पून में आपके 45 माइक्रोग्राम आयोडीन है. और जो कॉड है, फिश है, फिश भी अच्छी, जो लोग फिश खाते हैं उसमें और ज़्यादा है. एक एक छोटा 3 ounce की आपने अगर पोर्शन ले लिया कॉड की, मतलब थोड़ा सा कॉड लेंगे तो उसमें अच्छा इससे भी ज़्यादा आपको आयोडीन मिलेगा. सो ज़्यादातर लोग जो फिश खाते हैं, सी फूड खाते हैं, उनमें आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होती. जो लोग वेजिटेरियन है, प्योर वेज है, फिश नहीं खाते, दूध भी नहीं, वेगन है, उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है. सो रिमेंबर, आयोडाइज्ड चीज़ ले सकते हो आप. और बाकी रिकमेंडेशन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में 6 महीने से नीचे 110 माइक्रोग्राम पर डे का रिकमेंडेशन है. उसके ऊपर 6 से 12 महीने, 7 से 12, 130 माइक्रोग्राम्स. और बच्चों में 3 साल तक 90 माइक्रोग्राम. जी हाँ, बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है रिक्वायरमेंट. छोटे बच्चों में ग्रोइंग के लिए उनको 130 माइक्रोग्राम तक रिक्वायरमेंट होती है. और फिर चिल्ड्रन 1 साल से ऊपर हो गए तो कम हो जाती है, 90 माइक्रोग्राम. फिर 4 से 8 साल में भी 90 रहती है, 8 साल तक, 1 से 8 साल तक 90. और फिर 8 से 13 में फिर बढ़ जाती है, 8 से 13 साल में उनकी ग्रोथ और स्पर्ट होती है तो फिर 120 माइक्रोग्राम होती है. और जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो 14 साल से ऊपर आपकी 150 माइक्रोग्राम हो जाती है, आपके मेल्स हो फीमेल्स हो किसी भी उम्र तक. प्रेगनेंसी में और बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में आपको 220 और लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग में 290 माइक्रोग्राम चाहिए. इसीलिए एक्चुअली में सी फूड खाने वाले लोग और जो केल या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं वो और ज़्यादा हेल्दी रहते हैं,
उनके बच्चे हेल्दी रहते हैं, रिमेंबर दैट, राइट? एम इन्हीं लोग मछलियाँ खाए जा रहे हैं उसका रीजन है, राइट? इफ यू आर लाइकिंग द थिंग, लाइक बटन दबाना है. स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके वैसे उम्र पे, जेंडर पे, आपके फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये बेसिक अमाउंट आपको चाहिए. सो मोटी मोटी बात यह है कि आयोडीन आपके शरीर के लिए ट्रेसली जरूरी है. ट्रेस मतलब माइन्यूट अमाउंट में, लेकिन जरूरी है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछिए, हम बैठे हैं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फटाफट. और यू कैन जस्ट पुट देम इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.